दोस्तों जो नई वाली स्कॉर्पियो एन है उसके बारे में काफी सारी वीडियोस बना ली और उसके बारे में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो है पता चल गई है, उसके लुक्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। पर दोस्तों इसके जो पीछे वाली लुक्स है उसके बारे में कुछ नहीं पता। इस गाड़ी के अंदर आपको दो तीन काफी तगड़े वाले कंट्रोल मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका 4 Explorer वाला कंट्रोल या फिर इसका जो ये ए वाला कंट्रोल है इसके डैशबोर्ड में, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। और इस गाड़ी के बारे में काफी सारी और एकदम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पता चली है। पर अब आप सोचोगे भाई तुझे कैसे पता इन सबके बारे में, महिंद्रा ने तो बताया नहीं। तो मेरे पास इस गाड़ी की जो ओनर्स मैनुअल है वो आ चुकी है जिसमें गाड़ी के जो सारे फीचर होते हैं उनको डिटेल में समझाया जाता है। और ये आप में से एक कारवर्सल प्रो ने भेजी थी तो शाउट आउट टू देम। और अगर आपको भी ये वाली ओनर्स मैनुअल पढ़नी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बढ़िया पढ़ना। और अगर आपको वीडियो वगैरह क्रिएट करनी है आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बढ़िया बढ़िया व्यूज लेना। तो दोस्तों जब इस गाड़ी के स्पाई शॉट देखे थे लेटेस्ट वाले तो सबको डर था कि पीछे से जो गाड़ी है कुछ ज्यादा चोमू लग रही है और इतना मजा नहीं आने वाला। पर दोस्तों वो वाली लुक्स एकदम फेक थी क्योंकि इस गाड़ी की जो ऑफिशियल लुक्स है इसके ओनर्स मैनुअल में दिख रही है इसके पीछे वाली, जिसमें अगर आप देखें तो जो इसकी नंबर प्लेट की हाउसिंग आपको टोटली डिफरेंट मिलती है, जिसमें आपको साइड वाले बार्स नहीं मिलते जो कि उस वाले स्पाई शॉट में थे। साथ ही में आपको नया वाला जो इसका M का लोगो है वो आपको मिल रहा है। और ये वाली लुक्स काफी क्लीन लग रही है, काफी सिंपल लग रही है एज कम्पेयर टू वो वाली लुक्स जो कि कुछ ज्यादा बेकार लग रही थी। और इसमें आपको स्पॉइलर भी मिल रहा है काफी बड़ा वाला जो कि जो स्पाई शॉट है उसमें दिख नहीं रहा था। तो अब अगर आप देखें तो पीछे से इस गाड़ी की लुक्स काफी सही लग रही है एज कम्पेयर टू जो हमने एंटिसिपेट करी थी जो कि कुछ ज्यादा खराब थी भाई, कुछ ज्यादा बेकार थी। और वैसी अगर होती तो शायद इस गाड़ी की सेल्स कम होती। पर ये वाली अगर आप देखो तो बहुत ही एक्सेप्टेबल लग रही है, बहुत ही सही लग रही है। और मैंने आपको उस टाइम में भी कहा था कि इस गाड़ी की जो लुक्स है पीछे से चेंज होने वाली है और ऐसी बिल्कुल नहीं होने वाली। काफी लोगों ने माना नहीं, पर अब आप देख लो जो प्रूफ है आपके सामने है। और इसलिए मैं आपको कहता हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके पास भी ऐसा गीगा चार्ट वाला दिमाग तभी आएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे। हमारे 6,12,000 सब्सक्राइबर हो गए, 6,90,000 का एम है। अगर आप मेरे बर्थडे से पहले करा दो 3 जुलाई से पहले तो बहुत ही बढ़िया होगा, आप सबका एक बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। और अब दोस्तों मुझे लग रहा है कि जो मेरा अल्टीमेट गीगा चार्ट वाला अवतार है वो आपको देख लेना चाहिए। और दोस्तों इस गाड़ी की जो ओनर्स मैनुअल है उसमें इस गाड़ी की जो ऑफिशियल डायमेंशन है वो भी पता चल गई है, जो कि काफी बड़े हैं पर इतने बड़े भी नहीं है कि एंडेवर से बड़ी बन जाए जो कि हमने एक्सपेक्ट करा था। जिसमें इस गाड़ी की जो लेंथ है वह 4662 mm की, जो कि अगर आप XUV700 से कंपेयर करें तो 4695 mm की है। तो इस गाड़ी की जो लेंथ है थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू XUV700। फिर इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वह 2750 mm का, तो इस गाड़ी का जो व्हील बेस है उतना ही है एग्जैक्टली जितना आपको XUV700 में मिलता है, जिसका एग्जैक्टली सेम है, 1 इंच का भी फर्क नहीं है। फिर इस गाड़ी की जो हाइट है वो काफी ऊंची है जो कि 1870 mm की है, जो कि अगर आप XUV700 से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 11 सेंटीमीटर ऊंची है, ऑलमोस्ट इतनी ऊंची है, तो काफी ऊंची है। और ये गाड़ी थोड़ी चौड़ी भी है एज कम्पेयर टू XUV700, जिसमें इस गाड़ी की जो विड्थ है वो है 1917 mm की, जो कि XUV700 से अराउंड 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इतनी कुछ ज्यादा भी नहीं है पर थोड़ी बहुत चौड़ी है। फिर दोस्तों मैंने इस गाड़ी का जो ओनर्स मैनुअल है थोड़ा और पढ़ा तो मुझे इस गाड़ी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन पता चली जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी नहीं। जिसमें दोस्तों पहली चीज पता चली कि इस गाड़ी में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलने वाली है, जो कि बड़ी चीज नहीं है, पहले से पता थी। लेकिन उसमें जो कैच है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको जो फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं सामने 2 मिलते हैं और पीछे आपको 4 मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सामने भी 4 मिल रहे हैं, सामने आपको 2 मिल रहे हैं और पीछे आपको 4 मिल रहे हैं, जो कि इस वाला जो इसका ओनर्स मैनुअल है उसमें दिख रहा है सामने 2 है और पीछे 4 है, जो कि हमें समझ आ गया। फिर दोस्तों अगर आप इस गाड़ी के ओनर्स मैनुअल के इस वाले पेज पे आए तो उसके जो डैशबोर्ड के सारे कंट्रोल है उसके बारे में समझाया गया है और इसमें भी बहुत ही सारी डेप्थ है। जिसमें अगर आप देखें तो इसका एक तो ये सेंटर फेशिया स्विच, जिसमें इस गाड़ी के जो सारे डैशबोर्ड के कंट्रोल है वो आपको मिलते हैं जैसे XUV700 में भी आते हैं। और इसमें अगर आप इसके थोड़े और डेप्थ में जाए तो आपको टोटल में 7 कंट्रोल मिलते हैं, जिसमें 3 काफी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जिसमें अगर आप सबसे राइट साइड में देखें तो आपको ड्राइव मोड मिल रहा है, मतलब इस गाड़ी में आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलने वाले हैं आपकी गाड़ी को चलाने के लिए और थोड़ी स्पोर्टी फील लेने के लिए। फिर अगर आप सेकंड देखें तो इस गाड़ी में आपको एक कंट्रोल मिल रहा है इसके कैमरे वाला, मतलब इस गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है जो कि कंफर्म होता है। और तीसरा अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको एक ए वाला कंट्रोल मिल रहा है जिसके साइड में आपको एरो मिल रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस गाड़ी में आपको ऑटो इंजन कट मिलने वाला है, जिसकी जो पूरी फंक्शनिंग है आपको ये वाले स्टेप में दिखा रखी है। जिसका काम क्या होता है कि अगर आप मान लो एक रेड लाइट पे खड़े हो और आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे डाल देते हो तो इसमें एक फंक्शन होता है जिसमें अगर आप प्लस छोड़ेंगे तो अपने आप जो आपकी गाड़ी का इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद जब रेड लाइट बंद होती है और ग्रीन लाइट आती है तो जैसे आप अपना जो क्लच है उसे दबाएंगे तो अपने आप जो इंजन है वो ऑन हो जाएगा और आपको कोई भी ऑन ऑफ बटन दबाने की जरूरत नहीं है, जिससे जो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी है थोड़ी और बढ़ने
वाली है और जो उसकी पूरी फंक्शनिंग है देखो आपके सामने आ रही है, कितनी ज्यादा कूल है। और ये वाला फीचर इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। फिर दोस्तों अगर आप थोड़े और डेप्थ में आए तो इस गाड़ी में आपको जो रेयर वाले एसी कंट्रोल मिल रहे हैं उसका आपको एक कंट्रोल दिख रहा होगा जिसका नाम है रेयर एसी कंट्रोल। तो आपको जो रेयर वाले एसी है उनके लिए आपको सेपरेट फैन स्पीड का कंट्रोल मिलने वाला है जो कि एक्सवी 700 में नहीं आता लेकिन इस वाली गाड़ी में आ रहा है, तो वो बहुत ही कूल है मेरे ख्याल से। इस आप ऐसे उसे रोटेट करके अपने जो रेयर वाले एसी की स्पीड है, फैन स्पीड है, उसे कंट्रोल कर सकती है, तो वो काफी काम की चीज है। लेकिन दोस्तों जो इस गाड़ी का रियल मोड है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था वो है इसका ये वाला मोड या फिर इसका 4 एक्सप्लोर मोड या फिर इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम वाला मोड जो कि मैंने आपको पहले बताया था। मैं कह रहा हूँ आपको गीगा चैट हूँ पर आप लोग मानते नहीं हो। जिसमें अगर आप देखो तो आपको 2 डिफरेंट इसके डिफरेंशियल लॉक मिल रहे हैं जो कि 4 व्हील लो और 4 व्हील हाई वाला, तो जिसपे आप क्लिक करेंगे आपकी गाड़ी उसी वाले मोड पे आ जाएगी। साथ ही में अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपको 4 डिफरेंट ऑफ रोड मोड्स मिल रहे हैं जैसे एंडेवर में आते हैं, जिससे आप उन वाले मोड्स को सिलेक्ट करके इस गाड़ी में आप बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। जिसमें पहला मोड है इसका हिल वाला जिसमें अगर आपको थोड़ी ऐसे एसेंट पे ड्राइव करनी है आप कर सकती है। जिसका ये वाला मोड है इसका सैंड वाला है जिसमें अगर आपको ड्यून बैशिंग करनी है आप कर सकती है। जिसका ये वाला मोड है इसका मड वाला है जिसमें अगर आपको मिट्टी में गाड़ी चलानी है आप चला सकती है। पर दोस्तों जो इसका ये वाला मोड है इसके बारे में पता नहीं है, आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि ये वाला मोड कौन सा है। मेरे ख्याल से रॉक वाला है, शायद आपको पता होगा कौन सा है। फिर दोस्तों अगर आप और जाए इस गाड़ी के ओनर्स मैनुअल के डेप्थ में तो इस गाड़ी की जो पावर ट्रेन है या फिर इसकी जो चैसी है वो दिख रही है। इसमें आपको सामने वाला क्लच मिलता है और आपको इंजन इधर मिलने वाला है। और ये अगर आप देखें तो इस गाड़ी के जो रेयर व्हील ड्राइव वाली पावर ट्रेन है उसका जो वो होता है ना जो कन्वर्ट करता है ऐसे वाले रेल को ऐसे में, अगर आपको समझ आ रही है, तो उसकी ये ड्राइव ट्रेन है। और इससे कंफर्म होता है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव होने वाली है, ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं होने वाली जैसे सारी गाड़ी आ रही है। तो वो वाला जो हमारा दावा है वो भी कंफर्म होता है, क्या बात है। पर दोस्तों इसमें एक और चीज है जिसमें मैं भी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, जिसमें अगर आप देखें तो एक इसका ये रीजन वाला कुछ आ रहा है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और एक ग्रीन कलर की लाइट है जिसमें रीजन लिखा हुआ है और साथ में ऐसे कुछ हवा सी बनी हुई है। तो भाई इसका मतलब पता नहीं क्या है, या तो इस गाड़ी में आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है या तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है भाई इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन रीजन का कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताना क्या लगता है आपको। और यही था आज की वीडियो में, इस गाड़ी की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है और क्या ही रहता है, लुक्स भी पता चल गई, इसके फीचर्स भी, इसके डायमेंशन भी, इसकी ऑफरोडिंग भी। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है। कितना चौंग लग रहा हूँ मैं।